फ्रेंड्स, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उम्र निकालना सीखे। आज हम सीखेंगे कि एज कैसे निकाली जाती है। हम क्या होता है कि कोई फॉर्म फिल करते हैं, वहां पर हम कैलकुलेशन जस्ट फॉर्मल सा लगा लेते हैं और हम ईयर निकाल लेते हैं, लेकिन मंथ और डेज हमारे क्लियर नहीं होते हैं। तो हम आज मंथ और डेज भी क्लियर करना सीखेंगे कि कैसे करेंगे। देखिए, जन्म तिथि है, यानी कि जिस दिन हम पैदा हुए हैं, कोई भी डेट लगा लीजिए। मान लीजिए आपको ये डेट दी गई है कि इस दिन बर्थ हुआ है, 21/9/2009 को आपका बर्थ हुआ है, और एट प्रेजेंट जो डेट है 22/7/2020, ये डेट है और ये जन्म तिथि है और ये आज की तिथि है। तो हमें इनमें से एग्जैक्ट एज निकालनी है कि कितने साल हैं, कितने महीने हैं और कितने दिन हैं। तो क्या करेंगे, हम जो आज की डेट है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। सबसे ऊपर हम लिखेंगे आज की डेट 22/7/2020 और उसके नीचे जन्म तिथि, जो जो जिस डेट को पैदा हुए हैं वो डेट हमने नीचे लिखी है। अब हम क्या करेंगे, माइनस। ये तो सभी को आता है, सभी को पता है कि ऊपर से नीचे कट करते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे आप, ये तो 22 में से 21 कट हो जाएगा। अब क्या होता है, जब हम मैथमेटिक के सम सॉल्व करते हैं, हम इधर से करते हैं, राइट साइड से करते हैं, लेकिन अब जब जो हम ये सम निकालेंगे या उम्र निकालेंगे, ये हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, सिर्फ इसमें यही एक चेंजेस होता है कि इसको हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये देखेंगे 22 है, 22 में से 21 को हम लेस करेंगे, तो क्या बना, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 2 गया 0। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ है। यहाँ क्या कंफ्यूजन है, ये डेट है 07 और 09। अब 07 में से, यानी कि 7 मंथ में से हमें 9 मंथ हमने कट करने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 7 महीनों में से हम 9 महीनों को कट कर दें। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा साल दिया है 2020, ठीक है, इसमें से हम एक साल लेंगे, एक साल, एक नहीं लेंगे कि जैसे हम मैथमेटिक के सम सॉल्व करते हैं, हमने 2 में से 1 इधर ले लिया, 7 में प्लस कर दिया तो 8 बन गया, ऐसे नहीं होगा। हम यहाँ से पूरा 1 ईयर लेंगे। अगर हमने 2020 में से 1 ईयर ले लिया तो हमारे पास बचता है 2019। ओके, ये क्लियर हो गया। अब जो हमने 1 ईयर लिया है, अब इसमें 1 ईयर तो ऐड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में, 12 मंथ होते हैं, तो वो 12 हम इस 7 में ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमने 12 में 7 ऐड कर दिए, तो हमारे पास कितने बन गए हैं, 19, कितने बन गए हैं, 19। अब 19 में से 9 तो कट सकता है, ये तो बहुत ईजी है। 19 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 10, हमारे पास मंथ आ गया है। अब हम ये सन निकालेंगे, यानी कि ईयर निकालेंगे, तो हमारे पास 2019 है और दिया हुआ हमें है 2009। अब तो इजी हो गया, 2019 में से हम 2009 लेस करेंगे, 9 में से 9 गया 0 1 0 0, मीन्स टू से आप ये कह सकते हो कि ये ईयर है, मंथ एंड डेज। ओके, तो क्या कहेंगे हम कि ये बच्चा कितने साल का है आज की डेट में, ये बच्चा 10 साल 10 महीने 1 दिन का है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये तो महा हमने सीखे हैं, अब हम सीखेंगे डेट निकालनी। अगर डेट छोटी है तो वो कैसे करेंगे, उसको हम सीखते हैं। ओके ओके, लेट अस कंटिन्यू। ये देखिए, ये एक सम है, एक और सम है, ये हमें आज की डेट दी गई है। मान ली ये हम आज का सन नहीं ले रहे हैं, आज का ईयर नहीं ले रहे हैं, आपको मैथ में ये सम दिया गया है सोल्व करने के लिए कि ये डेट आपको, ये जन्म डेट है नीचे वाली और ऊपर की डेट एट प्रेजेंट डेट है, तो इसमें से हमें ईयर मंथ और डेज निकालने हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब आप देखेंगे कि दिन कितने हैं, 10 डेज हैं और ये 23 डेज हैं। अब 10 डेज में से 23 डेज तो लेस हो नहीं सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है जो ये मंथ है इससे हम पूरा 1 मंथ लेंगे। देखो, ईयर से हमने पूरा 1 ईयर लिया, अब हम मंथ से भी पूरा 1 मंथ लेंगे। यहाँ पे 10 है और 1 मंथ हमने इधर ले लिया, तो हमारे पास कितना मंथ रह गए हैं, 4 मंथ, 1 मंथ हमने ले लिया इधर। अब 1 मंथ में डेज कितने होते हैं, क्योंकि ये तो डेज है, डेज को मंथ में ऐड तो नहीं कर सकते, हम डेज को डेज से ऐड करेंगे, तो ये 10 डेज हैं और मंथ में हम
लगा के चलते हैं, क्योंकि 31 days भी होते हैं, 30 days भी होते हैं, तो हम यहाँ पे लगा के चलेंगे 30 days, ठीक है। तो हम 30 days की कैलकुलेशन करेंगे, तो हमने इसमें 30 days ऐड कर दिए, तो हमारे पास 30 + 10 कितने हो गए हैं, 40 days, कितने डेज बन गए हैं, 40 days। अब 40 days में से 23 days तो लेस करने बहुत ईजी हैं, ये है 40 और इसमें से हमें 23 लेस करना है, हम साइड में कर लेते हैं, क्लियर हो जाए। आपको पता है कि यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 3 गए 7, इधर 1 गया तो यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि हमारे पास आए हैं 17 days। अब हमने 1 month इधर लिया तो यहाँ पे तो रह गए 4 month। अब 4 month में से 6 month तो जा नहीं सकते, तो हम वो जो पहले हमने रिपीट किया था वही करेंगे, 2015 में से हम 1 year ले लेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 2014, और 1 year हमने इधर ले लिया है, तो 1 year को तो हम मंथ में ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 4 month प्लस उसमें कितने ऐड करेंगे, 1 year में कितने मंथ होते हैं, 12 months, तो हमने यहाँ पे 12 ऐड कर दिए, तो हम इधर कर लेते हैं 12 + 4, 12 हमारे जो हमने ईयर लिया है, बोरो किया है, और 4 ऑलरेडी हमारे पास मंथ थे, 6 1, हमारे पास कितने मंथ बन गए, 16 month। अब 16 months में से 6 month हम लेस करेंगे तो कितने रह गए, 10 month, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे 2014 रह गया है हमारे पास, इधर 1 year हमने ले लिया था, 2014 में से हमें 1996 को हमें लेस करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं 014 1996 लेस 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो इधर से हम 1 बोरो करेंगे, इसको 14 बना लिया, 14 में से 6 गए कितने रह गए हैं, 8, इधर 1 गया यहाँ रह गया 0, इससे इधर ले लिया यहाँ बन गए 10 1 1, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास क्या आया है 18, means to say 18 years, 10 months और 17 days। I hope बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेज, मंथ और ईयर्स कैसे निकाले जाते हैं। सिर्फ इनमें यही होता है कि अगर हमें डेज हमारे पास कम है तो हम मंथ से 1 month को गौरव कर लेंगे, और अगर हमारे पास मंथ कम है तो हम ईयर से 1 year बोरो कर लेंगे। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा, इससे आप बहुत इजीली उम्र निकालना सीख सकते हैं। आई होप यू हैव क्लियर द कंसेप्ट। थैंक यू।